हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर वेल। एंड आज की जो क्लास है, अगेन इम्पॉर्टेंट। AFCAT में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, थंबनेल से सजेस्ट कर लिया होगा, इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड डेज। इससे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं यार, लाइक हर साल दो या तीन क्वेश्चंस होते ही होते हैं। सो 6 to 9 marks इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स टू हैव। एंड आज पढ़ेंगे हम इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड डेज के बारे में। सो मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान से देखना। And if you are new to this channel, guys, I request you to subscribe the channel and hit that bell icon, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो हर रोज़ if you watch that video, that's it. If you watch that video, it's more than sufficient. You are going to score 10 to 15 marks extra. Let's start. सबसे पहले देखो यार, जनवरी में कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले देखो, जनवरी में 1 जनवरी तो अपना क्या होता है, 1 जन इज न्यू ईयर्स, ये तो कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो, 9th of Jan को क्या होता है, ये है NRIs डे। अभी 9th of Jan को क्या था, गांधी जी रिटर्न किए थे। अभी उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री होगी तो मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इसी दिन आए थे वो, ठीक है। तो 9th Jan हम NRI डे के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। और उसके अगले दिन 10th of Jan जो है हम हिंदी डे बनाते हैं, हिंदी डे। उसके बाद 12th of Jan को क्या बनाते हैं हम, 12th of Jan को है वो है यूथ्स डे। ये भी इम्पॉर्टेंट है यार, क्योंकि देखो मैं सब सीक्वेंस में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो केयरफुली, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे भी तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम 15th of Jan को क्या बनाते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बनाते हैं, आर्मीज डे होता है वो, आर्मीज डे, ठीक है, या आर्मी डे जो भी है, ठीक है। सो आर्मी डे हो गया। फिर उसके बाद 25th of Jan को क्या है, 25th of Jan को है वोटर्स डे। और 26th of Jan को क्या है, ये अपना, ये तो आपको मालूम है, रिपब्लिक डे। कब मिला था अपने को, ये मिला था 1950 में, रिपब्लिक मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया था, ठीक है। तो 26 जन तक पहुंच गए हम। फिर इसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, वो है 30th of Jan, दैट इज मार्टर्स डे। यार ये याद रहना चाहिए यार, मार्टर्स डे तो याद होना चाहिए, क्योंकि उनकी शहीदी जो है वही हम आज जी रहे हैं, क्योंकि वो लोग शहीद है इस टाइम पे, ठीक है। तो मार्टर्स डे ये हो गया, जनवरी का सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो क्या है, 1st Jan तो न्यू ईयर्स, 9th Jan NRIs डे नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, 10th Jan है हिंदी डे, और 12th है यूथ्स, आर्मी डे, वोटर्स डे, रिपब्लिक डे एंड मार्टर्स डे। अभी फरवरी का देखो, फरवरी में क्या है, सबसे पहले 4th of Feb को क्या होता है, 4th of Feb को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। सेलिब्रेट तो नहीं करते बट डेडिकेट करते हैं, ठीक है, कैंसर डे, फाइन। फिर उसके बाद 11th को क्या है, 11th of Feb को, दैट इज 11th of Feb को क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जो साइंस के फील्ड में जिन्होंने एक्सेल किया है उनके लिए डेडिकेट करते हैं हम इसको, ठीक है। तो फिर उसके बाद 14th of Feb, ये तो जानते होंगे यार, ये वैलेंटाइंस डे होता है, बस बता रहा हूँ। फिर उसके बाद 28th को क्या है, 28th of Feb को है नेशनल साइंस डे, ठीक है। बस इतना ही है, फरवरी में और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ़ यू वांट टू। विल गो फॉर मार्च नाउ। अभी देखो मार्च का क्या है, मार्च का इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट एट दिस टाइम वाइज, ओके। अभी देखो 3rd March में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए सेलिब्रेट करते हैं। 8th March को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो स्टार मार्क मार रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो याद रहना ही चाहिए आपको, अदरवाइज बाकी। 2nd Thursday वर्ल्ड किडनी डे होता है, और 2nd Wednesday नो स्मोकिंग डे होता है, ठीक है। नो स्मोकिंग डे हम मनाते हैं जिस दिन, पता नहीं लोग फॉलो करते कि नहीं, बट मनाते हैं। 21st of March वर्ल्ड पोएट्री डे, और पोएट्री राइटिंग बुक्स ऑथर इन सब से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं AFCAT में, फाइन। अप्रैल में देखो, 1st April में हम बनाते हैं ओडिशा डे, ओडिशा डे बनाते हैं 1st April में, अलॉन्ग विथ April Fool's Day,
अप्रैल फूल्स डे, बस ये फर्क है कि अप्रैल फूल्स डे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा आपको, यहाँ पर ओडिशा डे पूछा जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट मई को हम महाराष्ट्र डे भी बनाते हैं। 7th of April वर्ल्ड हेल्थ डे, इंपॉर्टेंट, अगेन इसको भी स्टार मार्क बना लेना, ठीक है। 22nd April वर्ल्ड अर्थ डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 24th April नेशनल पंचायती डे, ये रॉ है लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। गाइज आई नो याद रखना मुश्किल है, बट वहाँ जाके क्लिक तो हो जाएगा आपको कि हाँ उस दिन ये हो रहा था करके, इसलिए अगर देखना है तो 2-3 बार वीडियो देखो तब जाके समझ में आएगा आपको कि हाँ भाई इस महीने में ये था। 1st of May में इंटरनेशनल लेबर्स डे भी होता है और महाराष्ट्र डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम। 1st Sunday को हम वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट करते हैं, 2nd Sunday को हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, सिमिलरली 3rd Sunday ऑफ जून को हम फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप ऐसे याद रख लेना उसको, ठीक है। और 7th of May को वर्ल्ड एथलीट्स डे, 21st of May को एंटी टेररिज्म डे और 24th of May को कॉमनवेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, 31st May को एंटी टोबैको डे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क मार लेना, ठीक है। फिर 1st of June देखो, जून में आ गए हम, 1st of June को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, 3rd of June सिमिलरली हम वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट करते हैं, 5th June को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यहाँ पर और वर्ल्ड ये जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये दोनों सिमिलर लगते हैं लेकिन है नहीं यहाँ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे जंगली जानवर वगैरह सब इंक्लूड होंगे, एनवायरनमेंट मतलब अपना जो भी एनवायरनमेंट है, यू नो बेटर। फादर्स डे लाइक मदर्स डे जैसे 3rd Sunday को, 2nd Sunday यहाँ सेलिब्रेट होता है, 3rd Sunday यहाँ पर, और 2nd Sunday को यहाँ मदर्स डे। गाइज एक और चीज़, यहाँ पर अगर 12th को भी सेलिब्रेट करते हैं, 12th May को जो पहला आया उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आप अभी कहाँ पर थे हम, एंटी चाइल्ड लेबर्स डे 12th को, ये इंपॉर्टेंट है यार, स्टार मार्क्स बना लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 21st को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। कब 21st of June को 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये डे डिक्लेयर किया था इंडिया के लिए, उसके बाद सडनली मतलब 21st को इंटरनेशनल यूएन ने इसको डिक्लेयर कर दिया एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ठीक है। 26th को हम डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, विल गो फॉर जुलाई नाउ। देखो जुलाई का देखो, 1st of July को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डॉक्टर डे, वर्ल्ड डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे, ठीक है, डॉक्टर्स लोगों के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद 11th of July को इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अभी देखो 18th, इंटरेस्टिंग, 18th of July हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, इंटरनेशनल, आप नेल्सन मंडेला को तो जानते होंगे ना यार, नेल्सन मंडेला डे। अभी नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट था ये, ब्लैक प्रेसिडेंट प्रेजेंट थे ये, ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कहाँ के, साउथ अफ्रीका के, डेफिनेटली। अभी देखो ये इनको भारत रत्न से भी, भारत रत्न भी मिला हुआ है इनको, ही वॉज अमंग वन अमंग्स द टू, नॉट थ्री, टू, मैं बताता हूँ क्यों, तीन में से क्यों नहीं थे, ही वॉज वन अमंग्स द टू फॉरिनर टू गेट द भारत रत्न। बाकी के दो कौन थे, नेल्सन मंडेला के बाद मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, और फिर उसके बाद अब्दुल गफार खान, गफार खान, इन दोनों को भी भारत रत्न से, भारत रत्न इन दोनों को भी दिया गया है। तो मदर टेरेसा को कब मिला था, 1980 में मिला था भारत रत्न। एक्चुअली शी कन्वर्टेड, मतलब उनको सिटीजनशिप मिल गई थी इंडिया की, सो वी डोंट कंसिडर हर एज अ फॉरेनर, ओके, सो दैट्स व्हाई मैं, इसलिए मैंने कहा था कि ही वॉज अमंगस्ट वन अमंगस्ट टू, और ये अब्दुल गफार खान को भारत रत्न मिला था 1987 में, और नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में, ठीक है।
सो अब्दुल गफार खान कौन था? ये अब्दुल गफार खान वॉज अ क्लोज वर्किंग, जो फ्रीडम के लिए बहुत मदद की थी इन्होंने, फ्रीडम के लिए. एक्चुअली अभी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, डेफिनेटली पाकिस्तानी. तो इन्होंने ना गांधी, इनको गांधी, गांधी जैसा नॉन वायलेंस जैसे करते थे ना, नॉन वायलेंस का सपोर्ट करते थे. अब्दुल गफार खान भी नॉन वायलेंस को बहुत सपोर्ट करते थे. इन्होंने भी फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, हमारे इंडियन फ्रीडम के लिए और पाकिस्तान की फ्रीडम के लिए रेस्पेक्टिवली. सो इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है. सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. फिर इसके बाद 18th हो गया अपना. फिर 18th के बाद कौन सा आता है? 26th ऑफ जुलाई. कैन यू गेस? कारगिल विजय दिवस. कारगिल विजय दिवस 1999 में मिला था अपने को, ठीक है, कारगिल विजय दिवस. और फिर एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 24th ऑफ जुलाई. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे है, ठीक है, कोई बात नहीं. सो 27th से 29th तक. अभी ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया को सबसे पहले राफेल जो है फ्रांस से यहाँ निकली थी, राफेल और 29th को लैंड हुई थी इंडिया में. लैंड हुई थी या फिर अंबाला, जो अंबाला कैंट है एयरफोर्स का, अंबाला कैंट वहाँ पर लैंड हुई थी, लाइक इंडियन एयरोस्पेस में आ गई थी 29th को. और इसी दिन मेरा AFSB का सबसे पहला इंटरव्यू था, मतलब पर्सनल इंटरव्यू इसी दिन मेरा, ठीक है. सो आई नो लाइक दिस आप भी अपना रिमेंबर कर सकते हैं. आफकेट दे रहे तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी यार. 27th को निकली थी वहाँ से और दो दिन कंटिन्यूस फ्लाइट थी, हाँ. तो उसके बाद ये हुई थी लैंड अंबाला में 29th को, ठीक है. और उसके जो स्क्वाड्रन है उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन एरोज. फाइन. और अब्दुल गफार खान को हम सरहदी गांधी भी बोलते हैं. सरहदी गांधी का टाइटल भी मिला हुआ है क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस की एकदम मिलती थी गांधी से, इसलिए उनको मिला है. एंड दिस वर थ्री दैट आई वांटेड टू मेंशन. सो इतना ही है जुलाई में, और कुछ भी नहीं है. अभी अगस्त में चलते हैं. हम अगस्त में देखो यार, सबसे फर्स्ट अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. 6th ऑफ अगस्त को क्या हुआ था? हिरोशिमा डे बोलते हैं. मतलब इसी दिन हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक हुआ था. किस दिन हुआ था ये? 6th ऑफ अगस्त 1945 में हुआ था. और 12th ऑफ अगस्त को क्या है? इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं. फाइन. और फिर उसके बाद 15th अगस्त, हम तो जानते हैं 15th अगस्त को क्या है? इंडिपेंडेंस डे अपना, इंडिपेंडेंस मिला था. फिर उसके बाद 19th ऑफ अगस्त को हम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट करते हैं. और 29th ऑफ अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? नेशनल स्पोर्ट्स डे. बस इतना ही है अगस्त में, इतना ही है और ज़्यादा कुछ खास है नहीं. ना सितंबर का देखो यार, सितंबर में सबसे पहला 5th ऑफ सितंबर क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? 5th ऑफ सितंबर इज टीचर्स डे, डेफिनेटली सब जानते हैं टीचर्स डे. एंड ऑल्सो वी टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? इट वॉज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ऑलराइट. एंड ऑल्सो हम संस्कृत डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं बट इज इम्पॉर्टेंट. फाइन. फिर उसके बाद 14th ऑफ सेप्टेम्बर को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? हिंदी दिवस. 14 सेप्टेम्बर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद 15th ऑफ सेप्टेम्बर इज आवर्स डे, लाइक माइन, बहुत सारे आप लोगों का भी होगा, दैट इज इंजीनियर्स डे. नाउ आई एम एन इंजीनियर जस्ट बाय प्रोफेशन, नॉट बाय एन एक्सपीरियंस. आई नीड टू एग्री ऑन दैट फैक्ट. फाइन. फिर 21st सेप्टेम्बर को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम. और 22nd ऑफ सेप्टेम्बर को हम सेलिब्रेट करते हैं रोज डे. नाउ इट इज नॉट वैलेंटाइंस वाला रोज डे, इट इज वेलफेयर
ऑफ कैंसर पेशेंट वाला डे, कैंसर पेशेंट, ठीक है, वो डे है ये। उसके बाद 29th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे। एक्चुअली 29th नहीं है, 27th को सेलिब्रेट करते हैं, आई बेग योर पार्डन, 27th, ठीक है। और लास्ट सैटरडे जो होता है सितंबर का, वो सेलिब्रेट करते हैं हम एज अ रिवर डे, रिवर डे, ठीक है। तो सितंबर तक का हो गया सितंबर, अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बाकी है, लास्ट 3। ऑलराइट, यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ यू वांट टू। सितंबर हो गया, अभी अक्टूबर देखो, अक्टूबर में सबसे पहले 2nd अक्टूबर सब जानते हैं, 2nd अक्टूबर गांधी जयंती होता है, गांधी जयंती, बट वेरी लेस पीपल नो इट इज लाल बहादुर शास्त्री इज ऑल्सो बर्थडे, लाल बहादुर शास्त्री, इनका भी बर्थडे होता है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, 2nd प्राइम मिनिस्टर। नाउ गाइज, इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस गाय, ही वॉज अ वेरी विजनरी लीडर, इसके बारे में, इनके बारे में जानना है तो आई अर्ज यू टू वॉच ताशकंद फाइल्स, जो उनकी बुक भी है, जो वो ताशकंद में गए थे रशिया में, वो जो भी सीन हुआ था उनका, जो भी हुआ था, वो सारी चीज़ अच्छे से बताई गई है, एक मूवी बनी है, वो देख लेना आप, ठीक है। सो 2nd अक्टूबर हो गया, फिर 4th अक्टूबर को है, 4th अक्टूबर को एनिमल वेलफेयर डे बनाते हैं, एनिमल वेलफेयर डे। और फिर 8th अक्टूबर, 8th अक्टूबर किस लिए बनाते हैं हम, और अभी हम किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेजरली एफकैट की, एफकैट किसका है, एयरफोर्स का, एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे एक्चुअली, हाँ, इंडियन एयरफोर्स डे। 11th ऑफ अक्टूबर ये बनाते हैं हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड्स डे। 15th ऑफ अक्टूबर हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टूडेंट्स डे, नेशनल स्टूडेंट्स डे, फाइन, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग को डेडिकेट किया गया है ये। एंड उसके बाद 31st अक्टूबर इज नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे, दैट्स इट, अक्टूबर का इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं अक्टूबर के बाद नवंबर। नाउ 5th ऑफ नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल सुनामी डे, सुनामी डे सेलिब्रेट, मतलब सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, डे उसका डेडिकेट किया गया है। फिर 7th ऑफ नवंबर कैंसर अवेयरनेस डे बनाया जाता है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कैंसर के लिए अवेयर करने के लिए लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, चीज़ें होती है, रैलीज वगैरह होती है ऑन दिस डे। फिर उसके बाद 14th ऑफ नवंबर यू नो, वी ऑल नो, चिल्ड्रंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम चिल्ड्रंस डे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बर्थ एनिवर्सरी कौन थे अपने, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनको बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए 14th ऑफ नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स इट, इतना ही है नवंबर का। दिसंबर में देखो 1st दिसंबर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे, फाइन। फिर उसके बाद 4th ऑफ दिसंबर दैट इज नेवी डे, इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, नेवी डे। और 7th ऑफ दिसंबर हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। एंड देन 10th दिसंबर हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। फिर उसके बाद 16th ऑफ दिसंबर इसको विजय दिवस बनाते हैं, विजय दिवस, इसके बारे में बताता हूँ आपको अभी, ठीक है, विजय दिवस। 22nd ऑफ दिसंबर लाइक इट्स ऑल्सो माई फेवरेट डे, दैट इज नेशनल मैथमेटिक्स डे,
लाइक माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, डेफिनेटली उस दिन हम मैथ्स डे मनाते हैं, जिस दिन रामानुजन का भी बर्थडे होता है, ठीक है। सो ये भी चीज़ याद रखना आप, इसलिए हम मैथमेटिक्स डे बनाते हैं। और फिर 25th ऑफ दिसंबर जो है वो तो क्रिसमस है ही, ठीक है, क्रिसमस ये तो जानते हैं हम। फिर उसके बाद 1st of Jan इज न्यू ईयर ईव, न्यू ईयर जो भी है, इसके बाद वापस रिपीट होता है। अभी विजय दिवस देखो क्या है, विजय दिवस में बताने वाला था, विजय दिवस हमको, हम क्यों मनाते हैं ये विजय दिवस, क्योंकि इसी वक्त 16th of December में बांग्लादेश हैज टेकन इट्स फ्रीडम। बांग्लादेश को फ्रीडम मिल गया था किससे, पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान का पार्ट था राइट, 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। तो 26th एक्चुअली उनको 16th December में उनको फ्रीडम मिला था, लेकिन उनका जो हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं 21st of March को बनता है, 21st of March 1971। तो इस दिन उनका इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है, लेकिन उनको एक्चुअल में जो फ्रीडम मिला था पाकिस्तान से वो मिला था 16th of December। तो हम लोगों ने उनकी हेल्प करी थी, इंडिया ने उसकी हेल्प करी थी, इसलिए विजय दिवस बनाया जाता है 1971 में, ठीक है। तो हर साल इधर बनाया जाता है। सो आई फिनिश अप द इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड डेज हियर। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द अदर वीडियोज ऑल्सो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल आई वॉन्ट यू टू, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब। आई एम कमिंग अप विथ मोर एंड मोर वीडियोज लाइक दिस गाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट बेल आइकन एंड शेयर इट टू ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर AFCAT। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।